Hey guys, welcome back to Wonders Life. आज हम करने वाले हैं रिएक्ट अपने फेवरेट चैनल लाइफ ऑफ लग्जरी की वीडियो पे, जो कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं. बिल्कुल, उन्होंने हमारे वीडियो पे आके कमेंट किया है. Exactly, they love us. तो हम बहुत खुश हैं एंड आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इस वीडियो पे. We found him watching her sleep. रात को सोते हुए उसे कोई देखता है. Oh my God. बिल्कुल वैसे ही जैसे तू मुझे देखती है रात को सोते. मैं तुझे क्यों देखूंगी सोते हुए? और क्या, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैं अपनी बड़ी आराम से गहरी नींदों में सोती हूँ. और गाइज, आप अगर सोचो, अगर ऐसा आपके साथ हो, आप सो रहे हो और आपके सामने कोई ऐसे वो महामहिम बन के खड़ा और रात को आपको देख रहा हो, तो ना डर जाओगे यार. चलो हम देखते हैं इसके साथ क्या हुआ. तो इनको एक 19-year-old गर्ल का ईमेल आया और उसने बताया कि मैं अपने नए नए घर में अभी मूव करके गई हूँ. जैसे हम मूव करें अभी हमें बहुत टाइम हो गया. वो कह रही है उसका एक रूममेट है डेरेक नाम का, और वो कह रही है उससे उसको बहुत डर लग रहा है क्योंकि हो सकता है वो कुछ गलत करना चाह रहा हो. तो भाई रूम चेंज कर लो. और उसको रात को बहुत ही स्ट्रेंज नॉइजेस भी आती हैं. भाई वो नेटफ्लिक्स देखता रहता होगा. क्या पता तुम्हारी वीडियोस ही देख रहा हो लाइफ ऑफ लग्जरी, जिसे देख के उसको आवाजें आती हो और वो क्रीप्ड आउट होती हो. अब शार्लेट इन दोनों को इनवाइट कर रहा है कि आओ और प्लीज हमें हेल्प करो, देखो हमारे अपार्टमेंट में कौन है, मुझे कौन सोते हुए देखता है. ऑलराइट, चेस्टर निकल चुका है. कह रहा है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वीकेंड के लिए, बहुत मजा आएगा. चार्लेट काफी अच्छी लड़की लगी मुझे फोन पे. इनको फोन में से अच्छा लग गया कि मतलब चार्लेट अच्छी लड़की होगी. बड़ा अपना मस्ती से जब निकलते हैं ना डैश कैम लगा के, मेरे को ये इनका ना वीडियो का लुक बहुत सही लगता है. बहुत सही लगता है. डिस्कस करते हुए गाड़ी में अपना जाते हैं आराम से. वो पता नहीं क्या देख रहा है. कह रहे कि हो सकता है इनका रूममेट जो है उसको कहीं ट्रबल में ना डाल रहा हो. कुछ भी हो सकता है, हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा एंड वी हैव टू मेक श्योर कि चार्लेट एकदम सही हो. चार्लेट ने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करी उसको? क्योंकि लग रहा है कि पुलिस ने इसके अंदर किसी खौफनाक आत्मा का साया है. ऑलराइट गाइस, ये लोग फाइनली पहुंच गए हैं एक फन वीकेंड के लिए. वाह, ये घोस्टबस्टर है या फिर पार्टी करने जा रहे हैं? एग्जैक्टली, मुझे लग रहा है चार्लेट में इंटरेस्ट है इनका ज्यादा रहता था भूत में. एंड घोस्टबस्टर्स को ऐसे नहीं करना चाहिए. दिस इज द नाइस प्लेस. ओ वाओ, ओ बंदी ने बाहर कितने क्यूट से सिंबल लगाए हुए. वेलकम वेलकम, किल द घोस्ट. Hey, Charlotte is so happy. उसकी excitement देख, ऐसे लग रहा है कि वो पार्टी पे आए हैं. Exactly. लड़की के फेस से 1% भी ऐसा लग रहा है इसको कोई डरवर लगता है, इसकी ये भूत के साथ रह रही है. अब मुझे तो बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा, कोई फील नहीं आ रही. कह रहे बंदी कह रहे मैं अभी यहाँ पे आई हूँ. और पहली बार इनको इनवाइट भी कर रहा है. वैसे तो सारी बंदियां कहेंगी तुम बाद में आ जाना, अभी इस बंदी ने इनवाइट भी करा है. आओ, ये डिनर के लिए आए. मेरे को भी यही लग रहा है कि ये दोस्त वोस्त होंगे और सोचेगा चल बहन तेरे को थोड़ा काम है, आ जाते हैं देखने. ऑलराइट, तो बता रहा है कि तुम्हारा लास्ट रूममेट डिसअपीयर कैसे हुआ. ओके, तो ये कह रही है कि मैंने तुम्हें एक चीज नहीं बताई, जो इसकी लास्ट रूममेट थी जो डिसअपीयर हुई थी, उसका सारा सामान यहीं पे रह गया था, लैपटॉप सब कुछ है. ओके गाइस, वी जस्ट फाउंड आउट कि डेरेक इसका करंट रूममेट है, जो कि इसका एक्स भी था. काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी. और जिसकी पुरानी रूममेट थी वो गुम चुकी है. तो कहीं डेरेक ने उसको घुमा के, समझ नहीं आ रहा कौन गुम है और कौन रूममेट है. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं डेरेक ने पुरानी रूममेट का खून करके अभी इसको अपना निशाना तो नहीं बना लिया है. और चेस्टर को बता भी नहीं है कि तुम ना, तूने तो मिस्ट्री क्रैक कर ली. एग्जैक्टली. और चेस्टर को कह रही है चुप रहो, धीरे बोलो. डेरेक को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि तुम लोग यहाँ पे आए हो मेरी हेल्प करने. तो झोल लग रहा है मुझे डायरेक्ट में. ओके, तो वो इससे डिस्कशन कर रहा है कि तुम्हें तो नॉइजेस आती हैं, क्या दिक्कत है, क्या पता डायरेक्ट का नेटफ्लिक्स हो. डायरेक्ट आ गया उठ के बाहर. ओ, पार्कर और चेस्टर मिले हैं डायरेक्ट से. ओ माय गॉड, ये तो बड़ा स्नीकी क्रीपी गाय है. उसको ऐसे टच मतलब, कर रहा है. मतलब घोस्टबस्टर घर पे बैठे हैं और भूत आ गया. भूत नहीं है वो, उसका रूममेट है. एंड कोई आइडिया भी नहीं है कि ये रूममेट क्या कर रहा है, कुछ करता है ऐसा, पता नहीं क्या करता है. भाई शार्लेट थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई है. कह रही है ऐसे क्यों, ऐसे हाथ हाथ लगा रहा है यार, तो बड़ा वीप है यार. ये क्या हो रहा है? आई डोंट नो. ओके, वो शक कर रहा है डायरेक्ट कि तुम फिल्म क्यों कर रहे हो. तो वो कह रही है कि मेरे पास पर्सनल काम है कुछ. भगा दिया डायरेक्ट को भाई. चेस्टर ने कहा चल निकल, पहली फुर्सत से निकल. भाई चार्लेट थोड़े गुस्से में आ गई है. क्या पर ये बंदी इसके साथ रह कैसे लेती है, जो एक सेकंड में ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है गंदी गंदी. ओके, बता रही है कि डेरेक को कई बार नॉक करके बोलती है कि तुम्हारे रूम से नॉइजेस आ रही है. कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं. और फिर इसको डर भी लगता है साथ में रहने में. ओके, अभी इसको रूम दे रही है रहने के लिए. गाड़ी में नहीं सोना पड़ेगा भाइयों को हमारे. चलो भाई, बंदे आ गए हैं, अपना पिलो लेके आए हैं इस बार. पिलो घर से लेके आए हैं? हाँ, क्योंकि लड़की के घर में पिलो तो है ही नहीं. ओके, एक अजीब सा कमरा जिसके अंदर कोई अलमीरा नहीं है. आज मुझे पहली बार कलर्ड वॉल्स दिखी हैं. सीरियसली, ये रूम टूर के दे रहे हैं? ठीक है, वो देख दिखा रहे हैं कि कहीं भूत इधर उधर इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं बेसिकली. ओके, अब ये कैमरा सेटअप कर रहे हैं एज ऑलवेज एंड चिल कर रहे हैं. और चार्ले को कह रहे हैं तू भी चिल कर, डोंट वरी, हम लोग घोस्टबस्टर्स हैं, पेल देंगे घोस्ट. हम अपने विक्टिम्स को छोड़ के भाग जाते हैं. ओके, अब ये लोग वेट कर रहे हैं कि डायरेक्ट चला जाए. ये कौन से निकल के आया है? ओ भाई, क्या ड्रामा था. छोटी सी अटैक से निकल के आया है. ओके, दोनों अपना कैमरा से देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं. डायरेक्ट घर से निकल रहे हैं तो अब ये कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं.
बट दैट्स नॉट राइट. मतलब ये डेरेक के रूम में अगर कर रहा है तो इनकी प्राइवेसी गलत है ना, ऐसे कंप्लेंट कर देगा डेरेक. बेटा भूत है डेरेक. सारे कैमरा सेटअप हो चुके हैं, वो शार्लो की ऑब्वियसली परमिशन लेने जाएंगे कि दीदी मोहतरमा हम करते हैं. तो फाइनली कैमरा इंस्टॉल हो गए हैं और फाइनली भाई वो चुपचाप जा रहे हैं डेरेक के रूम में. क्या रूम में? दिस इज नॉट फेयर यार. गुड्डी मिली इनको, डॉल है वहाँ पे. हाँ गुड़िया, पापी गुड़िया है इनके कमरे के अंदर. डेरेक डेरेक अपनी पापी शक्तियाँ उस पापी गुड़िया के अंदर डाल रहा है. 4.5 घंटे के बाद फाइनली कुछ मूवमेंट हुई है, डेरेक वापस आ गए. ओके, दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अगर हम एक दूसरे को कोई भी वियर्ड नॉइजेस आते हैं तो एक दूसरे को उठा देंगे, पंच पंच मार के उठा देंगे. एग्जैक्टली. नाइट वन, क्या 3-4 रातें रुकने वाले हैं क्या? लग रहा है एक हफ्ते का प्लान करके आए. ये तो बसने वाले. पार्कर और चेस्टर का रूम का फुटेज दिखाया जा रहा है हमें, सारे रूम्स के फुटेज आ रहे हैं. शार्लेट रूम्स, इस शार्ले हर्ष डायरेक्स रूम. अरे बट उसको मजा आ रहा है, उसी ने अपनी शक्तियाँ दी है ना, पापी शक्तियाँ. तो मूवी नहीं देखी एनाबेल? डर लग रहा है, मुझे तो गूज़बम्प्स आ गए सीरियसली. क्या कर रहा है, इसके हाथ में क्या है? उसके अंदर अपनी शक्तियाँ रोज रात को देता है. अरे बाल बांधने लगा है उसके. कौन कर रहा है? अरे इसको बेचारे को बचपन में पापी गुड़ियों से खेलने का मौका नहीं मिला होगा तो अब बेचारे सिर्फ कोंगी तो कर रहा है. 5 बजे आवाजें भी आ रही है. कहाँ गया? गायब. ये क्या हुआ? गायब हो गया अपनी गुड़िया को लेके और ये सोई जा रहे हैं अपना मजे में. यार इनको मैं कह रही हूँ, उनको थोड़ा बताओ. कैसे खड़ा हुआ उसको रात में सोते हुए देख रहा है गुड़िया का? अरे ये क्या हो रहा है? टिंग 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 टिंग. हो क्या रहा है ये? डे 2 और दोनों उठ चुके हैं एंड 6:30 बजे. बड़ी जल्दी उठ जाते हैं बंदों में बात है यार. जा रहे हैं शार्ले के रूम, कह रहे हैं बहुत मैं एक्साइटेड हूँ, देखते हैं क्या होने वाला है. रूम में से कैमरा कैसे निकालेंगे? आई डोंट नो. वो सिट डाउन विद शार्ले टू वॉच द पॉडकास्ट. अब ये देख रहे हैं फुटेज यार, क्या मिलेगा इनको? क्या लगता है शार्ले को कोई देखता है रात को या सिर्फ डेरेक ही है वो? हमें तो पता है. ओके, वो दिखा रहे हैं शार्ले को कि देखो शार्ले चेस्टर के रूम में क्या हुआ था लास्ट नाइट और ये तुम्हारा रूम है. ये दिखा रहा है अपना रूम, ये डेरेक का रूम. वो डेरेक की ऊट पटांग हरकतें दिखा रहा है, कह रहा है कि ये बंदा गुड़िया से खेलता है, तुम इसको छोड़ के मेरे साथ चलो. भाई सब लोग एकदम सरप्राइज्ड हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली, क्यों कर रहा है यार. उसका शौक हो सकता है यार, क्या पता लड़कों को शौक होता है यार. यार पर कुछ कह तो नहीं रहा, उसे देखने आ रहा है. हाँ. उसका मन होगा इसके बाल भी कोम करने का. एग्जैक्टली. क्या पता वो पिछले जन्म में एक हेयर ड्रेसर हो और उसको मन करता हो हेयर कोम करने का और रात को उसके अंदर एक आत्मा आती हो और बोलती हो बेटा उठ चल आ जा कंघी और चल कंघी करने चल. ओके, तो क्या कर दिया कि उन्होंने डेरेक का कमरा लॉक कर दिया है. ओके, डेरेक का रूम क्लोज है, वो लॉक करके कहीं चला गया है. कहाँ चला गया यार, रात को भी घूमता रहता है, वापस आता है, कंघी करता है. डेरेक ने लॉक किया या इन्होंने लॉक किया है? कमरा लॉक है बस, ये नहीं पता कि कैसे. भाई डायरेक्ट वापस आ गया, कह रहा है तुम क्या यही पार्टी वार्टी करते रहोगे, घर वर नहीं जाना तुम्हें, काम तो नहीं है. शार्लो को कह रहा है खाना खाई नहीं. भाई ये बंदा मुझे बहुत शेडी लग रहा है, सही बता रहा है. बेबी, वो बेबी जैसा ही तो है, डॉल से खेलता है, इतना क्यूट है बंदा. ओ भाई ये क्यों ऐसे ऐसे करता रहता है? उसको शार्ले में डॉल नजर आती है. ये क्या उसके मुंह पे हाथ लगा रहा है यार. कॉफी बना दो. भाई बंदी क्यों रह रही है इसके साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा. कह रहा है हम आज फिर रिकॉर्ड करेंगे, आज फिर देखेंगे. तू नॉर्मली बिहेव कर, तू चिंता मत कर, हम है ना. और क्या भाई, डेरेक बार बार आके उनको डरा रहा है, पता है. भाई कॉफी भी दे रहा है उनके लिए. डेरेक अच्छा लड़का है यार. क्या हुआ इसको, ये क्या हुआ? शेडी है भाई, डेरेक इज वेरी शेडी. बट यार वो कॉफी पिला रहा है, अच्छा बंदा यार. मैं भी यही कहना चाहूंगी यार, ये लोग ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. सेकंड नाइट मे बी डेरेक सही है और शार्ले, ओह माय गॉड, शार्ले सही है. भाई डेरेक तो ऐसे बैठा रहता है पूरी रातों रात. नीली आंखें, उसकी आंखों में कुछ चमक रहा है यार, कुछ तो इसके अंदर है. उसको फिर देखने आएगा, पक्का आएगा. ये लोग सोते रहते हैं, इनको रात को देखना चाहिए कि बचा ले हम लड़की को. आ गया, आ गया, आ गया, ओ, कुड़ी सोंदी पे है, प्लीज जाके बचा लो अन्नू. आ गए भाई, आ गए, आ गए. 3 बजे पूरा भूतों का टाइम शुरू हो चुका है. कहाँ है पर, कहाँ है? आओ इस बार इसके रूम में आए डेरेक. ओ भाई उठ जाओ यार, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए यार. एग्जैक्टली, तुम ही तो हमारे पार्कर एंड चेस्टर, यू आर माय हीरो. तुम ही हमारी इंस्पिरेशन हो, तुम ही तो हमें कंटेंट दोगे. प्लीज उठ जाओ, तो मारो उसको किक. आया आया डेरेक, मैं जा रहा हूं उनको बचाने. भाई डेरेक कैसे खड़ा है? ओ मैं जा रहा हूं उनको बचाने. खड़ा होना फिर, जा निकल. मैं जा रहा हूं, मैंने भगा दिया, गया. अब फिर अपने रूम में आएगा क्या? ओ अब शार्ले के रूम, अब तो इसके पास जा रहे हर्ष. लंबे वो चादर हटा दी, ओ बंदी चिखी. भाई उनको पता लगे, उनको पता लगे. पिकअप पिकअप पिकअप, भागो भागो रे. इसको आज ये मारेंगे, उसको आज तो मैं इनके साथ हूं. मारो इसे पकड़ के. मुझे लग रहा है गायब, शार्ले गायब. ओ नहीं, आ गया आ गया आ गया. ओ बंदा कह रहा है कि भाई तू क्यों आता है उसके कमरे में? कह रहा है बस उसकी मर्जी, उसको देखने.
तो तू दिन भर उसी के तो घर में रहता है, देखता रहा रात को स्पेशली 3 बजे क्या देखता है। पहला पहला प्यार है भाई, कैसे निकाल रहा है, निकल पतली गली से पहली फुर्सत में निकल। आई एम प्राउड ऑफ दिस गाय सीरियसली भाई, बंदा कह रहा है मैं तो उसको प्रोटेक्ट, डायरेक्ट 3 बजे रात को कौन प्रोटेक्ट करता है और किससे, और किससे एग्जैक्टली। ऑलरेडी इनकी सबकी आपस में लड़ाई हो गई है एंड वो कह रहे हैं हम लेके जा रहे हैं शार्ले को और तू अब यहीं पे अकेला रहे, वील पार्टी टुगेदर इडियट। ओ बंद कर दिया उसको, ये कहाँ जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, भाग रहे हैं भाई भाग रहे हैं कह रहे हैं। वो रात को उठ के रोज उसे देखता है यार, एक तो शार्ले पता नहीं क्यों अपने कमरे को लॉक नहीं करती है, समझ नहीं आया मुझे। अभी इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये लोग डेरेक के ऊपर एक केस करेंगे और शार्ले नो लॉन्गर लिव्स विद डेरेक, व्हिच इज अ गुड थिंग भाई, मतलब फाइनली वी हैव द कंक्लूजन। एग्जैक्टली, तो जब यहाँ पे कंक्लूजन आ गई तो हमारी वीडियो की भी कंक्लूजन आ गई है, यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन दिस लाइव, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।